दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप कर रहे हैं NISC DLED या किसी भी TET एग्जाम की तैयारी, तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों जो शिक्षक NISC DLED की अभी यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट और आप लोगों के पढ़ाई और बुक्स को लेकर जो भी आपकी क्वेरी थी उसको लेकर हम ये पूरी यहाँ पर जो है वीडियो बना रहे हैं। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि अनअकैडमी पर आपका शॉर्ट नोट्स भी शुरू हो गया है, जिसे कि आप अनअकैडमी पे जाके दीपक हिमांशु सर्च करके देख सकते हैं। कोर्स 508 का ऑलरेडी शुरू हो चुका है और धीरे धीरे और भी शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ पर डाले जाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 508 से 510 के लिए आपको बुक्स ऑलरेडी हमारे तरफ से जारी कर दी गई है और बहुत लोगों ने बुक्स ले भी ली है और आपको यहाँ पर डिलीवर भी हो गया है। तो यहाँ पर बुक्स चूंकि है तो उससे कैसे पढ़ाई करनी है, या जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि कैसे बुक लेना है या ट्रैक करना है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। चूंकि अपनी बुक्स है तो उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें क्या है, उसको किस प्रकार से हमें देखना है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को बताने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बुक्स जिनके पास पहुँच गई है उनको पता होगा, जिनके पास नहीं पहुँची है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सब लोग यहाँ पर आखिर हम बुक्स क्या है, उससे कैसे पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 508, 509 और 510 ये तीन कोर्स कोड आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए हैं, जिसमें कि किसी एक कैंडिडेट के लिए 508 प्लस 509 या 508 प्लस 510 की तैयारी करनी है। तो आपके लिए यहाँ पर कोर्स 508 की अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम की ये बुक है, अपनी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जारी की गई है। तो कोर्स 508 की ये बुक है जिसमें कि आपको पूरी तरीके से कंटेंट को जो भी NIS पे बेस्ड है उसे डाला गया है, एग्जैक्टली NIS के पैटर्न पर डाला गया है। ये कोई गाइड, कुंजी या एटम बम नहीं है, ये एग्जैक्टली NIS के पैटर्न पर है, जिससे कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी तरीके से कंटेंट को डाला गया है काफ़ी साधारण लैंग्वेज में समझा के, साथ ही साथ कंटेंट के बाद हर चैप्टर के लास्ट में आपको स्मरणीय तथ्य या पॉइंट्स टू रिमेंबर आप इंग्लिश में कह सकते हैं, उस रूप में आपको उसका शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहां पर दिया गया है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और उस स्मरणीय तथ्य के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिया गया है, जिसमें आपको NIS के पैटर्न पर दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंग्लिश में बोले तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चंस जो है वो आपका यहां पर दिया हुआ है। तो ये आपका 508 का कुछ इस प्रकार से दिखता है, और पूरे 508 बुक में आपका 350 से ज्यादा क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर आप 509 पर चलते हैं तो सेम पैटर्न में यहां पर कंटेंट, स्मरणीय तत्व और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और सिलेबस अगर आप देखिए तो 508 का थोड़ा ज्यादा है, 509-10 का थोड़ा कम है। तो उसी सिलेबस के हिसाब से इस बुक को भी डिजाइन किया गया है। तो 509 में आपको 200 से प्लस संभावित क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी आपको कंटेंट, स्मरणीय तत्व और क्वेश्चंस हर चैप्टर में दिए गए हैं। इसी प्रकार से 510 का अगर आप हिंदी मीडियम देखें तो सेम पैटर्न है, कंटेंट और स्मरणीय तत्व और क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं, और इसमें भी आपको 200 से प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, और सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है और सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार से सेम आपका इंग्लिश मीडियम में भी है, 508 का, 509 का और 510 का। तो ये पूरा पूरी बुक आपका है, जिसका कि फर्स्ट पेज का कवर आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिनके पास बुक पहुंच चुका है वो लोग जानते होंगे, और लास्ट पेज में आपको अबाउट द ऑथर सेक्शन हर एक बुक में आपको लास्ट पेज में मिल जाएगा। तो इसकी अब पढ़ाई की जहां तक हम बात करें तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनके पास बुक आ गई है वो आप अपने बुक से चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप पूरे कंटेंट को देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक यूनिट खोला, एक चैप्टर, एक इकाई खोली, तो उसमें आपको पहले पूरी तरीके से कंटेंट को समझाया गया है हेडिंग देके, उस सारे हेडिंग को आप पढ़िए, और उसके बाद जब आपका पूरा हेडिंग हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा गैप दीजिए, या हो सकता है तो अगले दिन होके आप उसके स्मरणीय तथ्य को पढ़िए, क्योंकि जब आप स्मरणीय तथ्य को पढ़ेंगे वो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिससे कि आप पूरे चैप्टर के कंटेंट को रिलेट कर पाएंगे। और जैसे ही आपका स्मरणीय तथ्य कंप्लीट हो जाता है तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए, और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका
जो भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप अपने बुक में बनाने की, बुक से क्वेश्चन देखकर अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन आंसर को और कंटेंट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट बुक में मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको अलग जगह पर खोजने की जरूरत नहीं है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी अपने कॉपी में नोट करने के लिए की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, और उसके बाद आप बुक से उसको मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हर एक चैप्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए और हर एक चैप्टर को आप एक एक करके देखते जाइए। तो ये एक बेस्ट वे होगा आपको तैयारी करने का। जैसे जैसे आपके पास बुक आती जाती है, जिनके पास आ गई है वो तैयारी शुरू कर दीजिए, जिनके पास नहीं आई है वो जैसे ही आपके पास बुक आती है उसकी आप तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस को यहां पर कवर किया गया है, इसलिए मैं इतने गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं ये सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से तो आपको इसके बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो ये आपकी हो गई बुक की बात और तैयारी की बात। जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं लिया है या ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही है उनको मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप खोल रहे हैं ओपन करिए, तो कुछ इस प्रकार से आपको वो दिखेगा, यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर प्रिंटेड बुक्स। उस लिंक से जैसे ही आप जाएंगे तो इसमें आपको बेसिकली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल चार मेथड है जिससे कि आप बुक ले सकते हैं। पहला मेथड तो जो हमारा अभी लिमिटेड ऑफर है वो योर ऑनलाइन पार्टनर के व्यूअर्स के लिए स्पेशली दिया गया है। चूंकि आप एक सेट में बुक लेंगे 508 या 509 या 508 प्लस 510, यही दो से सेट में लेंगे तो दोनों सेट का बुक मिला के टोटल बेसिकली 300 रुपीज उसका रेट पड़ता है। तो हमारे तरफ से सिर्फ 200 रुपीज में वो ऑफर में दिया जा रहा है। ये पहला मीडियम है। दूसरा मीडियम है आप अमेजोन से ले सकते हैं, तीसरा है आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, चौथा आप अगर आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल रहा है तो आप बुक स्टोर से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला मीडियम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो लिंक पे आप जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेड ऑफर ऑन NISDLET कोर्स 508, 509 and 510 बुक्स बाय दीपक हिमांशु फाउंडर ऑफ योर ऑनलाइन पार्टनर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ऑफर में चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑर्डर करने का पेज आ जाएगा, और अभी आपको कोई भी पैसा इस में नहीं देना है जब आप हमारे अभी ऑफर वाले, लिमिटेड ऑफर वाले लिंक से पे करते हैं। तो आपको डायरेक्ट अभी ये पूरा डिटेल्स भर देना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा बुक आपको आप ले रहे हैं, सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो है लिंक पब्लिशर के पास चला जाएगा और वहां से आपको जो है बुक भेजा जाएगा। अगर आपके एड्रेस में कोई दिक्कत होती है तो वो आपसे कंफर्म करेंगे और आपको भेजेंगे। और जो भी लोग ऑर्डर कर चुके हैं या ऑर्डर आप कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही आपका बुक डिस्पैच हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर ट्रैकिंग यहाँ पर नीचे में ऑप्शन है। सेम पेज में जब आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं इस इमेज के नीचे में तो यहाँ पर ऑर्डर ट्रैकिंग है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये बेसिकली सिर्फ लिमिटेड ऑफर वालों के लिए है, तो जैसे ही आप ऑर्डर ट्रैकिंग वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिनका भी यहाँ पर ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया गया, बेसिकली अभी तक जिन लोगों ने ऑर्डर किया है सबका डिस्पैच कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपना ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप अपना नाम और ट्रैकिंग नंबर अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख लीजिए और वहाँ से जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक किस लिंक से करेंगे उसका भी आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। इस लिंक को ओपन करिए और उसमें अपना ये ट्रैकिंग नंबर डालिए। ट्रैकिंग नंबर ये आपका है, आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। लास्ट में जो यहाँ पर है वो आपका डेट है, वो आपका ट्रैकिंग नंबर नहीं है। तो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, आर से शुरू हो रहा है और एन तक खत्म हो रहा है, ये पूरा पूरी आपका ट्रैकिंग नंबर है। इसके बाद आपका डेट है जिस डेट में आपको डिस्पैच किया गया है, है ना। तो ये ट्रैकिंग नंबर से आप यहां पर इस लिंक पे जाइए जो कि इंडियन पोस्ट का है, वहां से जाके आप ट्रैक कर सकते हैं और आपके जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है जहां जो भी आपने एड्रेस दिया है वहां से भी आप जाके ले सकते हैं, या आपका जैसा भी होगा, आपके पोस्ट ऑफिस आपके घर पर पहुंचाते हो वहां के पोस्टमैन, या आप जाके लेते हो, हर जगह का अलग अलग होता है। तो जैसा भी आपके वहां का सीन है उस हिसाब से आप जाके ले सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड।
जिसमें कि आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं और आपका बुक पहुंच भी सकता है। जिन लोगों का बुक पहुंच गया है प्लीज़ कमेंट करिए या आप ट्रैक करके देख लीजिए कि आपका अभी तक कहां पर बुक पहुंचा है। दूसरा मेथड जो है आप अमेजोन से बुक ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस इमेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे अवेलेबल एट अमेजन, तो आपको ये अमेजोन का लिंक खुल जाएगा जहाँ पर कि आपको अपने तरफ से जो भी बुक्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं ये 508-509 का पहला वाला हिंदी है, उसके बाद नीचे में 508-510 का हिंदी है, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये 508 और 510 का इंग्लिश है, और उसके बाद चौथा अगर आप देखेंगे तो 508-509 का इंग्लिश है। तो ये पूरा चारों आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। जो भी बुक आप ले रहे हैं यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और अमेज़न का आपको पता ही है, अमेज़न पे ऑर्डर करके अमेज़न पे ही आप ट्रैक कर सकते हैं। वो आप लोग ऑलरेडी शॉपिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की जैसी करते हैं वैसे ही आप इस बुक की भी शॉपिंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट का दिया गया है, तो फ्लिपकार्ट का लिंक भी उसी के नीचे में आपको दिया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जाके आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे आपको ये आपको शो कर देगा कि आपको जो भी बुक है वो आपको यहाँ पर सामने आपको दिख जाएगा। तो फ्लिपकार्ट का लिंक जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं 508-509 का हिंदी बुक सबसे पहले, 508-510 का हिंदी बुक, फिर 508-509 का इंग्लिश बुक, और उसके बाद 508-510 का इंग्लिश बुक। तो इस प्रकार से चारों बुक दिख जाएगा। जो भी आपको सेट लेना है वो सेट यहाँ पर से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करके कैसे ट्रैक करना है वो आप बखूबी मेरे से बेहतर जानते हैं। ये हो गया चौथा मेथड। जैसे कि हमने कहा कि आपको बुक स्टोर्स पर मिलेंगे, तो आप अपने बुक स्टोर्स पर आपके यहाँ के जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ से कि आप पता कर सकते हैं। हमारे जो कुछ एजेंसीज हैं, कुछ के नाम जिसका नाम कि मेरे पास आया है मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि बहुत सारे एजेंसीज के पास बुक गया है जहां से कि बुक स्टोर वाले ले जाते हैं बुक एजेंसी से, बुक डीलर से। तो यहां पर कुछ एजेंसी है, अगर आपके नियरेस्ट में यह पड़ता है तो आप यहां से भी जाके ले सकते हैं। तो पहला आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो एजेंसी है, यहां पर आप को यहां पर दिख जाएगा सबसे पहला इसी मतलब इसी जो आप लिंक खोलेंगे इसी के नीचे में फ्लिपकार्ट नीचे में आप देख सकते हैं एजेंसी पार्टनर एनएस डीएलएड बुक्स बाय दीपक हिमांशु। पहला जो यहां पर आपको दिया गया है ये है आपका इंडिया बुक स्टोर, और इंडिया बुक स्टोर ये पटना का है, अशोक राजपथ पटना में ये बुक मिल रहा है, मतलब ये एजेंसी है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी जाके ले सकते हैं और यहाँ से बुक स्टोर वाले भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग्स करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जाके ले सकते हैं, या आप अपने बुक स्टोर से बता सकते हैं कि आप इस मतलब एजेंसी से बुक ला के आप अपने जिस भी जिले में जिस भी गाँव में आप पढ़ते हैं वहाँ के बुक स्टोर वाले यहाँ से जाके ले जा सकते हैं, क्योंकि एक डीलर है डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यही पूरे बिहार में बुक डिलीवर करते हैं। तो ये मेन हेडिंग मैं बता रहा हूँ और अलग अलग बुक स्टोर्स पे ऑलरेडी वो अवेलेबल होंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो इलाहाबाद था प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड में यहाँ पर तेज बुक डिपो है जहाँ पर कि ये हमारी एक और एजेंसी है जहाँ से कि आप जाके डायरेक्ट भी ले सकते हैं और वहाँ से सारे दुकान पर भी भेजी जा सकती है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग्स करते हैं आप अपने बुक स्टोर वाले से बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है इस डिपो पर यहाँ पर एजेंसी में बुक मिल रही है, वहाँ से वो ला सकते हैं और आपसे वो बुक दे सकते हैं आपको। और तीसरा यहाँ पर अगर आप देखिए तो HK बुक स्टॉल है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है, एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आप जाके कानपुर में यहाँ पर ले सकते हैं, या आप अपने अगर आप किसी दूसरे नियरेस्ट जगह से हैं तो आप अपने बुक स्टोर वाले को बोल सकते हैं कि सर इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास बुक अवेलेबल है, वहाँ से ला के वो आपको जो है डिलीवर कर सकते हैं, वो वहाँ से आपको आप उनसे ले सकते हैं। चौथा हमारा राखी प्रकाशन, जिस प्रकाशन से आपकी बुक निकली है आगरा में, वहाँ पर भी आप अपना बुक यहाँ पर अवेलेबल है और वहीं से सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब जगह पे डिलीवर किया जाता है। तो ये कुछ आपके ऑफलाइन हैं और ये मेन कुछ एजेंसीज के जिसके नाम मेरे पास आए मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरे इंडिया में हैं। अगर कुछ और मुझे मिलेगा पता चलेगा तो मैं आपको यहां पर जैसे जैसे हमारे पास जो है पब्लिशर से जैसे लिस्ट आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। तो यही है, नियरेस्ट में अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो आपके लिए ये एक मेन है जहाँ से कि आप अपने बुक स्टोर्स पे मंगवा सकते हैं, अपने बुक स्टोर पे बता के इसका नाम बता के ये बुक स्टोर वाले को पता होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके वहाँ से बुक ले सकते हैं। अगर आप इस जगह से बिलोंग्स करते हैं तो खुद भी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग मीडियम है जहाँ से आप बुक ले सकते हैं, आपको जो भी सुविधाजनक लगे वहाँ से जाके बुक लीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बुक से पढ़ाई शुरू करिए। तो इस प्रकार से दोस्तों है जो अपनी सारी बुक है इससे आप पढ़ाई शुरू करिए और
जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, अच्छा मार्क्स उठाइए। काफ़ी बेहतरीन तरीके से बुक डिज़ाइन किया गया है, तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों का सबका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लोगों ने ट्रैकिंग 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 बताई, तो आप लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने वीडियो में बताया। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कमेंट में, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता नहीं हो उतना डिजिटली, तो आप कोई अगर कमेंट में पूछते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतने काम के बावजूद शायद मैं सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं। आप लोगों को अगर कोई कमेंट दिखता है तो प्लीज़ आप उन लोगों को सजेस्ट करिए जिनको भी ऑनलाइन उतना आइडिया नहीं है कि वो कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इस लिंक पे कैसे जा सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे बेसिकली हमने कोशिश की है बहुत सरल बनाने की, इजी बनाने की, लेकिन फिर भी किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो उनको आप बताइए कि यहाँ पर ऑर्डर ट्रैकिंग पे आप क्लिक करके जाके अपना ऑर्डर देख सकते हैं। और ये आपका आर से एन तक जो है ये आपका ऑर्डर मतलब ट्रैकिंग नंबर है, उसके बाद आपका डेट है जिस डेट को आपको डिस्पैच किया गया है, और उसके बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका बुक आया या नहीं आया। तो इस प्रकार से दोस्तों है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आगे वीडियो लेक्चर और नोटिस इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। योर ऑनलाइन पार्टनर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।